हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने। घूमने का मतलब ये है कि ये हमारे पास है आज पूरे 75,000 रुपये है, तो आज फिर उड़ा के आते हैं, देखते हैं। और साथ में रवि भैया, जो कि पहले भी आपने वीडियोस में देखा है, तो अब ये 75,000 रुपये हमें कहाँ उड़ाने हैं, तो ये तो आपको हमारी वीडियो में ही देखना पड़ेगा। भैया देखो कहाँ कहाँ उजाड़ के आते, उजाड़ते हैं कि मतलब ऐश करते हैं, क्या करते हैं। निकल गए घर से हम लोग, अभी ऑन द वे है, देखते कहाँ कहाँ जाते हैं। तो चलिए सिख साथ करते हैं वीडियो को चालू। और भैया ये है कंपनी, देखो विशाल वालों कितनी लाइन लगी आ रही है, और पहले भी काफी निकल गई है यहाँ से, कितनी सारी है यार। लग रहा कहीं एजेंसी खुल गई है इधर इसकी, या फिर ये कोई नया सरदार सप्लाई हो रही है, कोई सरदार का दिमाग फिर गया, दिमाग फिर गया, इकट्ठी कंपनी ले ली है। और ये ढाबा नया बनाया है यहाँ पे, हम बता रहे हैं नॉनवेज अच्छा बनता है, खाएंगे यहाँ। अभी देखो अभी पैसे जो है, पैसे पहले जेब में डाल लें, खर्च करने हैं, लुटवाने नहीं है। कहीं और कोई हमें हमसे छीन ले तो तुम्हें तो पता ही है कि हम भाई से भी इतने ताकतवर हैं कि हम उससे बच नहीं पाएंगे, तो इसलिए पहले जेब में डाल लें सही सलामत, बाद में देखते हैं भैया कहाँ कहाँ पूछते हैं। और यहाँ एक बैंक है, थोड़े पैसे और निकलवा लें, हैं ऐश कर लें फिर थोड़ी सी, और वहाँ पहुँच रहे हैं थोड़ी देर में बस। चलो भैया जी निकलें। ये जो बैंक थी यहाँ पिठौरा में, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें से भी पैसे निकलवा लिए हैं, बाहर हैं। अब चलते हैं पीलीभीत, थोड़ा करते हैं शहर सपाट। और शाम को आज एक पार्टी भी है, मुझे वहाँ भी जाना है, तो अभी पहले पीलीभीत एक और बैंक में जाना है हमें। बैंक पैसा इतना है कि संभाले नहीं संभलना, सब बैंकों से निकलवाना पड़ रहा है हमें। बैंक वाले क्या मालूम भाग जाए कल को, तो इसलिए हम लोग निकलवा लेंगे वहाँ से भी। अभी मुझे जाना है, मतलब पीलीभीत जाएंगे हम लोग, उसके बाद अभी मेरे को भी ये दाढ़ी उड़ी भी सेट करानी है भैया, शाम को पार्टी में जाना है, तो इसलिए थोड़ा सेट वेट होके जाएंगे भैया, तैयार शहर होके। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं पहले पीलीभीत, फिर उधर से देखते हैं आगे क्या करते हैं। हम इतनी देर से जा रहे थे, हवा नहीं आ रही थी, ब्लोअर बहुत कम चल रहा था, तो भैया मेरा तुम्हें पता भाई तुम्हारा बड़ा एक्सपेरिमेंट है, तो हमने खोला, फिर हमने कहा इसका एयर फिल्टर थोड़ा जाम होगा तो निकालते हैं। तो भैया तुम्हारे इधर ये देखो, ये सब खोल दिया, फिर मैंने इधर से निकाला, ये देखो यहाँ होता है एसी वाला फिल्टर, ये निकाला, देखो कैसे जाम हो रखा है, इसमें क्या क्या फंस रखा है, चूहों ने पूरा गंद मचा रखा है जो इसमें। अब ये साफ करके फिट करते हैं, फिर देखते हैं भाई हवा, अभी जो चला रहे हैं अभी तो बहुत तेज आ रही है हवा, पहले हवा ही नहीं आ रही थी कतई यार, इतनी देर से एसी चल रहा, लोड भी पूरा ले रही गाड़ी, तेल भी उतना ही फूक रहा है, हवा आ नहीं रही। तो अभी एसी को करते हैं साफ, फिर करते हैं फिट, फिर निकलते हैं आगे। आपने अपने भाई की कारीगरी अब मारदा आठों आठ, मतलब अब पूरी हवा दे रहा है। तो भैया क्या रहा, क्या फीलिंग है आपकी, आपकी गाड़ी का? मैंने एसी साफ कर दिया है, बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है भैया। अरे पहले गाना बंद कर दो भैया, देखो ये नुकसान हो जाएगा अपना। भैया पहले गर्मी बहुत लग रही थी, हम गर्मी लग रही थी, छोड़ा था चार नंबर पे, लेकिन बात नहीं थी अच्छी, लेकिन पर हमने कर दिया सेट। अब पूरा कतई धना धन हो रखा है काम, बस अब ये है कि अगर जो है पता ना हो तो वो बता दे, हम नेक्स्ट वीडियो वो भी डाल सकते हैं। अगर किसी को ये ना पता हो कि गाड़ी का भैया एसी कैसे साफ होता, मतलब एसी का ब्लोअर जो होता है कम चल रहा है, तो उसका फिल्टर कैसे साफ होगा, तो भाई मुझे कमेंट कर सकता है। हमारा भाई इंजीनियर है, मतलब एयरप्लेन का भी हम कर देंगे साफ। भाई जा रहा, किसी को ना पता हो तो हमें बताए, हम करके आएंगे, ठीक है? तो हम अगली वीडियो वो भी डाल देंगे, अगर आप किसी को जानना हो कि कैसे हमारे गाड़ी का एसी का फिल्टर कैसे साफ होता है, तो ये बता सकता है मुझे, ठीक है? बेझिझक हमारा भाई हमेशा सदैव तुम्हारे साथ है, और साथ ही रहेगा, और ऐसे ही काम करता रहेगा ताकि लोगों को नॉलेज मिलती रहे, और मेरा घूमना फिरना चलता रहे। पहुँच गए, ये है भैया इधर से, इधर रेलवे स्टेशन है, ये पीलीभीत का रेलवे स्टेशन है, इसके ऊपर ट्रेनें चलती हैं, जज लाइन है, इसके ऊपर ट्रेन चलती है। मैंने कहा जानकारी देना मेरा फर्ज बनता है कि लोगों को पता नहीं होगा इस लाइन पे क्या होता है, तो हम बता दें इस पे ट्रेन चलती है, तो भैया जान लें आप। ये टमटम है, ये टमटम है, ये टमटम सार्थक के टमटम है भैया, सार्थक भी हमारे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर है हमारे सार्थक भाई। तो भैया ये आपके टमटम कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, संभालो इन्हें, इंग्लिश में नाम लिखवा यार, तुम हिंदी में? हिंदी में लिखवा रखा है, कहते ही वैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इसलिए वो उन्होंने हिंदी में लिखवाया होगा। ये ट्रैक्टर जा रहा है, ये ट्रैक्टर जानते हो क्या होता है, इससे खेती होती है, खेती हाँ, खेत जोतते हैं इससे। तो ये पहुंच चुके हैं पीलीभीत, अब एक और बैंक में हमला बोल देते हैं, हमला मतलब और कुछ ना हो जाए वहाँ, हमारा नाम लग जाए फ्री में, मतलब हम जा रहे हैं मैं पैसे निकलवाने वहाँ, तो उसमें जाएंगे, फिर घूमेंगे, फिर जाएंगे शाम को पार्टी में, आज करते हैं फन, फिर पहले अभी बीएड भी सेट करवानी है मुझे। तो भैया देखो ये है यहाँ पर, इधर आगे यूनियन बैंक है, ये यहाँ, अब इस बैंक में पहुँचते हैं, फिर इसका भी थोड़ा हिसाब किताब करते हैं, फिर आते हैं। और सामने छतरी चौराहा, जहाँ पहले छतरियाँ नहीं थी, खाली छतरी चौराहा था, अब छतरियाँ लग गई हैं। पहले क्या, पहले पेट पूजा बाद में?
पहले खाओ पियो फिर करेंगे दूसरा काम। बैंक बैंक का क्या था, पैसा निकलवाना नहीं, बैंक वालों का लंच टाइम है तो हमारा भी होगा लंच टाइम, तो पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। अभी देखते क्या ऑर्डर कर दिया भाई, टिक्की। अब वो कह रहा कोल्ड ड्रिंक पहले पी लो, वो फिर मिक्स हो जाएगी ना, फिर वो पहले पिला रहा है थोड़ा हिला हुआ है ना नवरत्न वाले कह रहे, वो बंदा काम करता हिला हुआ है। ये पड़ा पेट्रोल ठंडा होने के लिए रखा गया है, हाँ ये जो ये रखा हुआ है पेट्रोल है, ठंडा हो गया ऐसे जा देगा। अब तुम कार में डालना जी वाला, ठीक है ये वाला अभी ले लेंगे ना, तुम लेके दो मुझे पहले, मैं फिर डालूंगा। इतने पैसे होते तो मैं आपके साथ आता। ये 70 कितने थे, 76,000 रुपए कितने थे, हाँ 76, 76,000 रुपए। और 76 का मेल कितना बुरा है, 76 जानते हो क्या होती है, तुमसे बेहतर कोई नहीं। नहीं मैं वकील हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता फिलहाल, ऐसा ही कह रहे हो भैया जी। जी क्या खा रहे हैं, टिक्की। ऑर्डर जो किया वही खाओगे ना कुछ और कम्प्लीमेंट्री थोड़ा ना दे रहा है, टिक्की टिक्की ऑर्डर की थी हाँ, और गुलाब जामुन आ गए, गुलाब जामुन खा रहे हैं सही है भैया, चलो फिर खाते हैं फिर फटाफट, आओ चालू करें। इधर झाग बहुत, झाग बहुत थी, अब इसमें डाल के पीऊंगा। गिलास छुपा के पीने हैं ना, आई शाबाश देसी स्टाइल है। छतरी छतरी चरा, अभी बैंक से निकल चुके हैं। बैंक में क्या था, जब हम आए थे थोड़ा लंच टाइम था, तो फिर हमने सोचा कुछ खा भी ले, तभी हम लोग गए थे नवरत्न वाले क्या खाने। अब निकल चुके हैं भैया यहाँ से पीलीभीत से, ये छतरी चौराहे से आगे चौकी कस्बा आ गया भैया जी, सुनगढ़ी वाली भैया जे। हाँ जो ढाबा है पिंटू वाला, बढ़िया ढाबा है, मैंने सुना पिंटू है, पिंटू है अच्छा, जो मुर्गा बहुत खाया हमने यहाँ, है ना। दारू नहीं पीना, शादी हेयर ड्रेसर पे आ गया दाढ़ी सेट कराने, अभी ये कराएंगे अपनी बियर्ड से। भैया चले क्यों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आई शाबाश। चेले की कटिंग कर रहा है, चेला चेले की कटिंग करेगा। देखो भैया कह रहे वीडियो मत बनाओ मेरी, यार ये गलत बात है, देखो क्यों मना कर रहे हैं, क्यों ना बनाए, तुम फेमस नहीं होना जा रहे हो चल भाई चालू कर। इसका एड्रेस बता, कहाँ पर रहता है ये अर्शद, सायड़ गांव, सायड़ गांव रहता है, दुकान कहाँ है, दुकान सायड़ स्टेशन। काम कैसा करता है, बाल कहाँ कटवाता तू, मैं नहीं क्या कटवाता हूँ। अच्छा पैसे ज्यादा लेता, कम कम लेते हैं, ये जब करते तो मैं कम लेते हैं, 10 रुपए लेके जाते हैं 100 रुपए लेते हैं। मैं 10 रुपए दूँ तो वो $10 ही होते हैं बेटा, मेरे 10 रुपए पता कितने महंगे हैं, इसीलिए बातों पे करते हैं ध्यान ना दें, इनकी बातों पे ध्यान दे दे। भैया डालेंगे वीडियो, भैया बहुत दिन से तुम कह रहे थे यार, तो मैंने कहा बना दूं प्रमोशन कर दूं, दाढ़ी तो फिर फ्री बनेगी हैं, देख लियो भाई लोगो, दाढ़ी तो फिर फ्री बनेगी, इसका प्रमोशन कर रहा हूं मैं, क्यों फ्री नहीं है, फ्री नहीं है तो भैया मैं भी पैसे लूंगा यार प्रमोट करने के, यार भैया पेड प्रमोशन है, जे आईफोन नहीं जे माई फोन है, मान के लाया हूं ना गरीब हूं। भैया दाढ़ी उड़ी तो भैया सेट हो गई अपनी पूरी बढ़िया करके, भाई ने करी है, भाई इधर उस्तादी कर रहा है अपनी, इस लड़के को दिखा रहा है भाई अपना पूरा उस्ताद बनी, क्योंकि छोटा उस्ताद कर रहा था, छोटे उस्ताद से काम बन नहीं रहा, घंटा हो गया तो एक कटिंग करते हुए, यार इतनी देर में अगर काम करेगा तो भाई कैसे करेगा बता, कैसे सक्सेस होएगा अपनी लाइफ में, तेरे बाल तो स्ट्रेट मैंने सुना इसने करे तुम्हारे उस्ताद ने। तो चलो अब निकलते हैं यार घर पे, और तैयार होते हैं नहा धो के चलते हैं भैया पार्टी में, करते हैं फन, दिखाते हैं आपको आगे वीडियो में। तो भैया तैयार होके यहाँ से घर आए थे, बियर्ड ईयर सेट करा ली मैंने, नहा धो के कपड़े चेंज करके अभी हम लोग निकल रहे हैं, जो हमारे मेरे दोस्त है उसके लड़के का डस्टाउन वहाँ पे जा रहे हैं, तो देखते हैं भाई कैसी पार्टी है। वैसे तो बढ़िया पार्टी है, पहले भी शादी भी बढ़िया करी थी लड़के ने, गाँव का है तो फिलहाल जाना बनता है यार, अगला बंदे ने इतने प्यार से इनवाइट करा हो ना तो फिर जरूरी है जाना, तो फिर बस पहुंच रहे हैं थोड़ी बहुत देर में, तो लेते हैं मज़े अभी हम लोग दोनों जाने, भाई और मैं दोनों निकल चुके हैं यहाँ से, तो पहुंचते हैं फिर देखते हैं भैया कैसा प्रोग्राम है क्या हो रहा है वहाँ, चल के मिलते हैं वहाँ पे। चुके हैं, ये चल रही पार्टी खूब झमाझम चला रही यार, डस्टाउन देखो तुम, ऐसा डस्टाउन गाँव में बहुत पहली बार देख रहा हूँ मैं, कभी पूरा शादी वाला माहौल सजा दिया भाई ने यार वास्तव में। भैया फिर चला जाए, हाँ जी बिल्कुल चलो, खाना लगा हुआ है जमा जम जी, इतने आगे भी चौड़ी खाने यहाँ
क्या कर रहे हो नहीं तो इसमें घोरा आ रहा देख चलो नहीं घोरा नहीं सच में तो कुछ ले तो ले पनीर तो ले ले पनीर है ही नहीं उसमें अबे बहुत पनीर है उधर मार पनीर पनीर दही ले ले फिर खाता पीता रह देख शर्माना नहीं है भैया जी कॉफी नहीं पियोगे कॉफी नहीं पीता क्या पीते हो दूध रसगुल्ले खा रहा है रसगुल्ले खा रहे हो तुम मैं रसगुल्ले जैसे होते जा रहे हो कहाँ के भैया पी लो कॉफी निकले फिर है लड़के के पापा बधाई हो अरे बधाई तो है ही पर मैं कपड़े कुछ में निकाल दिया अरे हाथ तुला हम निकाल दिए तो क्या हुआ बधाई हो बहुत बहुत जाऊं मैं ये लो ले पापा खाना खा लिया भैया अरे ना 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 ये पकड़ ये तो शगुन है पर ठीक है फिर हम जा रहे हैं ठीक है बहुत बहुत बधाई इसको भी ये चाचा है ताऊ है ये ताऊ है लगता ताऊ ही है रड़ुआ भैया अभी हम लोगों ने पार्टी भी देख ली अब हम लोग निकल रहे हैं घर पे और जो बताऊंगा आपको कि जो हम लोग पहले सुबह मैंने आपको बताया था कि पैसे वो पैसे कहीं उजाड़ने नहीं जा रहे थे ना हम लोग ऐश करने जा रहे थे सिर्फ और सिर्फ हमने वो काम था हमें कि बैंक में वो जमा करने थे हमने तो वो दो बैंकों में जमा करने थे दोनों बैंकों में गए थे तो वो तो एक मजाक था बुरा मत मानना वीडियो में ऐसे ही जुड़े रहना और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना थैंक यू फॉर वॉचिंग Thank you.